मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है। मैं इस समय ज़ियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ 40 BDS स्टूडेंट्स का प्रतिवर्ष एडमिशन होता है। ये 40 स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन से आते हैं। पहले इनिशियली हम अपने यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन कराते थे, लेकिन अब हम पिछले साल से नीट से बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं। ये सारे बच्चे जो 10+2 जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ग्रुप से पास होकर के आते हैं, वो एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। BDS में आने के बाद इनका 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल ये इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप पूर्ण हो जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश की सर्विसेज में भी जा सकते हैं और बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास जॉब के, और ये MDS भी कर सकते हैं। MDS हमारे कॉलेज में इस समय 6 क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में उपलब्ध है। बाकी इंडिया में ऑल इंडिया कोटे से कहीं पर भी जा सकते हैं। पिछले सालों में हमारे यहाँ बहुत सारे MDS स्टूडेंट्स विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के डेंटल कॉलेज में गए हैं और वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे यहाँ 3 क्लिनिकल डिपार्टमेंट में 3-3 सीटें हैं। प्रतिवर्ष हम 3 MDS स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं और 3 डिपार्टमेंट्स में 2 सीटें हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों से हमारा अनुरोध है कि वो BDS को किसी भी तरीके से कम ना आँकें। ये पूर्ण रूप से टेक्निकल जॉब है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिलता है तो भी ये अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के प्राइवेट प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और AMU का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वक्त डेंटल कॉलेजों की अगर हम बात करें तो मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो स्थापित डेंटल कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डेंटल कॉलेज, रोहतक का डेंटल कॉलेज, ये हमारे क्षेत्र के कुछ नामचीन डेंटल कॉलेज हैं। लेकिन हमारा डेंटल कॉलेज इनमें से किसी तरह से पीछे नहीं है। विगत सालों में ये देखा गया है कि जो मेरिट होती है ऊपर के 10 लड़कों में से 2 लड़के कम से कम हमारे कॉलेज में डेंटल के नीट के थ्रू आते हैं। ये एक गर्व का विषय है हमारे कॉलेज के लिए भी, और यहाँ बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जब हमारे नीट का रिज़ल्ट आता है तो बच्चे अधिकतर कुछ दिनों पहले ऑर्थोडॉन्टिक्स को, जहाँ टेढ़े मेढ़े दांत ठीक किए जाते हैं, उसको प्रेफरेंस देते थे। किंतु अब थोड़ा सा सीन बदल गया है। बच्चे अब कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉन्टिक्स को भी प्राथमिकता देते हैं। उसकी वजह यह है कि कंजर्वेटिव एंडोडॉन्टिक्स में बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। बेसिक बीमारी जैसे दांतों में कीड़ा लगना, उसकी फिलिंग करना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना, ये इलाज हमारे डिपार्टमेंट में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया जाता है। वैसे तो 6 डिपार्टमेंट हैं जो मुख्य रूप से इलाज में शामिल होते हैं। उसमें ऑर्थोडॉन्टिक, जहाँ टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होता है, इस समय उसमें हमारे यहाँ 3 बच्चे प्रतिवर्ष PG कर रहे हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉन्टिक्स, जिसमें भी 3 बच्चे प्रतिवर्ष PG कर रहे हैं। यहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग, दांतों को चमकाना मीन्स ब्लीचिंग जैसे मुख्य इलाज होते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट ओरल एंड मैक्सियोफेशियल सर्जरी, ये एक सर्जरी की ही ब्रांच है जिसमें जबड़ा टूट जाने के बाद उसकी मरम्मत होती है, उसको जोड़ा जाता है, दांत निकाले जाते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, कैंसर के इलाज भी होते हैं, कैंसर की भी सर्जरी होती है। चौथा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ प्रोस्थोडॉन्टिक्स, जिसमें कि बुज़ुर्गों के जब पूरे दांत निकल जाते हैं तो पूरा जबड़ा बनाया जाता है, डेंचर बनाया जाता है, एवं इसके अलावा भी बीच में अगर निकले हुए दांत होते हैं तो ब्रिज भी बनाया जाता है। 5वां डिपार्टमेंट है पेरियोडॉन्टिक्स और पेरियोडॉन्टोलॉजी जिसको हम कहते हैं। इस डिपार्टमेंट में पायरिया का इलाज होता है, जैसे नाम से ही ज्ञात है, इसमें पायरिया का इलाज होता है। और पायरिया सबसे ज़्यादा लोगों को भारत में है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी
दांत की सफाई के बारे में लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञान उपलब्ध नहीं है या ध्यान नहीं देते। उसकी एक वजह भी हो सकती है कि अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई है। छठा डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स, जिसमें बच्चों के सारे तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। कि अगर हम BDS करते हैं तो हमें बाहर अगर जॉब करनी है या आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें वहाँ का एक टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद हम वहाँ उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं एवं जॉब भी कर सकते हैं। वही सीन इंडिया में है। अगर बाहर से भी कोई आदमी आता है या कोई डॉक्टर आता है यहाँ पे PG करने के लिए या सर्विस करने के लिए, तो पहले तो उसको मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी एक टेस्ट होता है जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, नो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद, यहाँ वो जॉब कर सकते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं विश्व में जिसको इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ कहते हैं, उनसे मिनिस्ट्री का भी प्रयास चल रहा है और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रयास चल रहा है कि वो हमारी डिग्री को पैरेलल रिकॉग्नाइज्ड करें और इस क्षेत्र में बहुत आगे हम पहुंच चुके हैं। जापान जैसी कंट्री से हमारा सहयोग होने वाला है जहां हमारे MDS स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्लासेस पढ़ा सकते हैं बिना किसी वहां की परीक्षा में शामिल हुए। वैसे तो MDS एक रिसर्च ही का कोर्स होता है, उसमें हम लोग रिसर्च ही कराते हैं 3 सालों तक, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर उसमें रिसर्च होता है। इसके अलावा भी बहुत रिसर्च के ज़रूरत है और रिसर्च की उपलब्धता भी है, लेकिन जितनी रिसर्च के लिए फंड्स और अन्य चीज़ें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में है उतनी डेंटल में नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रयास भी हो रहा है और लोग दबाव भी बना रहे हैं कि डेंटल स्टूडेंट्स को भी रिसर्च के लिए फंड्स अवेलेबल हों, जिसमें अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।